नमस्कार, मैं हूं दबांजली मोइत्रा। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना को लेकर सोशल मीडिया पर कई दिनों से चल रही खबरें सही साबित हुई। दरअसल काफी टाइम से ऐसा कहा जा रहा था कि फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। वहीं अब इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि फिल्म गुंजन सक्सेना नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। करण जौहर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, उसके प्रेरणादायक सफर ने इतिहास रच दिया, ये उसकी कहानी। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल जल्द आ रही है नेटफ्लिक्स पर। वीडियो की बात करें तो इसमें जानवी कपूर का वॉइस ओवर है जो बता रही है, गुंजन सक्सेना लखनऊ की एक छोटी सी लड़की जिसका एक बहुत बड़ा सपना था, बड़ी होकर पायलट बनने का सपना। लेकिन जो दुनिया ये सोचती थी कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती, क्या वो गुंजन को प्लेन उड़ाने देती? उस दीवानी को दुनिया की परवाह नहीं थी, बस अपने पापा पर भरोसा था, जो कहते थे कि प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, उसे पायलट ही कहते हैं। इस वीडियो के साथ करण जौहर ने फिल्म का नया पोस्टर भी रिलीज कर दिया है, जिसमें गुंजन सक्सेना हेलीकॉप्टर उड़ाते नजर आ रहे हैं। पोस्टर में हालांकि इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि फिल्म कब रिलीज होगी। हालांकि धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने का ये बड़ा फैसला जाहिर तौर पर बाकी फिल्म मेकर्स को सोचने पर मजबूर कर सकता है। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म गुंजन सक्सेना जानवी कपूर की दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले वो फिल्म धड़क में ईशान खट्टर के साथ काम करती नजर आ चुकी। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने जमाने की सोच के विपरीत जाकर न सिर्फ फाइटर पायलट बनने का फैसला किया, बल्कि कारगिल युद्ध के दौरान हेलीकॉप्टर चलाकर दुनिया के आगे एक मिसाल पेश की। फिल्म में जानवी कपूर के साथ अंगद बेदी और पंकज त्रिपाठी भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे। बता दें कि लॉकडाउन के चलते फिल्म मेकर्स को अपनी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करने का फैसला लेना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कई महीनों से सिनेमा घर बंद है, जहां अनुराग कश्यप की चोग्ड इससे पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म धूमकेतु पहले भी Zee5 पर रिलीज की जा चुकी है। और अब आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की फिल्म गुलाबो सताबो को भी Amazon Prime पर 12 जून को रिलीज किया जाएगा।